तो यार आज तक आयुष्मान खुराना ने ठेका उठा रखा था लोगों को ऑकवर्ड करके हंसाने का, बट अब ये जिम्मा उठा लिया दो बहुत ही मशहूर टिकटॉकर्स ने, सॉरी बॉलीवुड एक्टर्स ने, रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा, क्योंकि इनकी एक फिल्म आ गई है जिसका नाम है मिस्टर मम्मी। डॉक्टर सत्संग, हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मिस्टर मम्मी का। तो यार मैंने देखी मिस्टर मम्मी, और मिस्टर मम्मी देखने के बाद सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये रट्टी है। तो यार वैसे तो मिस्टर मम्मी कॉमेडी फिल्म है, बट इसने मुझे ट्रेजेडी दे दी। मैं सीधा गया देखने के बाद हॉस्पिटल, और मैंने अपना चेकअप कराया कि यार मेरे कोई तो कुछ गड़बड़ नहीं है कि मेरे को हंसी नहीं आ रही है मूवी देख के। तो भाई देखो फिल्म बहुत ज्यादा बेकार है, मुझे ही पता है मैंने कैसे देखी है मूवी। एक भी पंच लाइन नहीं मिली। मुझे एक चीज नहीं समझ आई कि भाई टी सीरीज के पास इतना अंधा पैसा है यार कि कोई भी मूवी बना दे रहा है यार कुछ भी। ये मूवी उन्होंने थिएटर में रिलीज कर कैसे दी, मुझे तो इस बात पे ताज्जुब हो रहा है। इसको तो ओटीटी रिलीज नहीं मिलनी चाहिए, ये बननी नहीं चाहिए थी। और गलती से बन भी गई तो भाई ओटीटी पे निकाल देना यार, वहाँ इतना सब कुछ पड़ा है, पड़ी रहती है एक कोने में, क्यों थिएटर में लाके तुमने सोचा माला माल वीकली कर लोगे। पैसा ही पैसा होगा। शुरू होती है और शुरू में रितेश देशमुख का कैरेक्टर दिखता है जो कि पीटी टीचर है स्कूल में, जहाँ पे अंग्रेजों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और इंडियन बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और वो पीटी टीचर उनको टॉर्चर कर रहा है लिटरली, क्योंकि उसको बच्चे पसंद नहीं है। और मुझे तो वो पीटी टीचर पसंद नहीं आया भाई, उसका जो लुक बना रखा है ना रितेश का, वो पतली सी मूंछ लगा, मुझे ना इरिटेशन हो रही थी वो बंदे को देख। तो स्टोरी आगे बढ़ती है, जिस बंदे को बच्चे पसंद नहीं है अचानक से वो बंदा प्रेग्नेंट हो जाता है, वो भी एक्सीडेंटली। जी हाँ, एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट होता है, तुम समझ जाओ, समझ रहे हो, समझ रहे हो। उसकी बीवी भी प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब दोनों प्रेग्नेंट हो जाते हैं एक साथ। पहले तो उसको पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है, उसको ऐसा लगता है कि कुछ पेट की बीमारी हो गई है क्या क्या क्या। तो वो डॉक्टर के पास जाता है चेक कराने, जहाँ पे उसको पता लगता है कि सारे सिम्टम्स तो प्रेगनेंसी है। और ऐसी मूवी आगे बढ़ती है, मुझे तो ये था कि मूवी आगे बढ़ी क्यों नहीं है। तो भाई मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं मूवी पूरी देख लूं, बट मैंने देख ली जैसे तैसे करके। अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो चलो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है मूवी की, परफॉर्मेंसेस तो अच्छी करी हूँ, बट वहाँ भी डब्बा गोल है दिलबट्टे सन्नाटा। तो मेल लीड रोल प्ले किया है रितेश देशमुख ने, जो ठीक ठाक कॉमेडी कर लेता है बंदा, बट इसमें ऐसा लग रहा है कि क्यों ही उससे फिल्म करा रहे हो, वो जबरदस्ती करना है। और फीमेल लीड प्ले कर रही है उन्हीं की धर्मपत्नी जेनेलिया डिसूजा, जो कि क्यों वापस आई फिल्म में, किसने बुलाया। पहली बात तो हमने आपको बुलाया नहीं, दूसरी बात आप आई तो ये क्या कर दिया, कुछ तो कर लेती भाई ढंग का। दोनों मिलके ना यार इससे बेटर इंस्टाग्राम रील्स बना लेते हैं जैसे ये फिल्म बनाई है। तीसरा कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था, और मुझे उम्मीदें थी कि यार महेश मांजरेकर जैसा एक्टर, वर्सेटाइल एक्टर, कुछ तो अच्छा करेगा, बट भाई वो बंदा ओवर एक्टिंग कर जा रहा है पूरी फिल्म में यार। किसने बोला ये टेढ़ी टेढ़ी शक्लें बना के एक्टिंग करने को, किसने कहा। तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ। तो पॉजिटिव पॉइंट्स में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है मूवी का कि वो भी सिर्फ डेढ़ घंटे की, लिटरली सिर्फ यही एक पॉजिटिव पॉइंट है कि डेढ़ घंटे की मूवी है, ज्यादा देर नहीं झेलनी पड़ेगी। गलती से तुम टिकट ले लो और पहुंच जाओ देखने, तो भाई डेढ़ घंटा झेल पाओ तो बैठ जाना। मैं बात करूं नेगेटिव पॉइंट्स की तो वो तो बहुत सारे हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में सबसे पहले तो स्क्रिप्ट राइटिंग आ जाती है कि भाई ये स्क्रिप्ट राइटिंग, इतना बढ़िया टॉपिक था मूवी का, ऑकवर्ड था बट अच्छा बन सकता था। इस पर आयुष्मान खुराना आता तो कुछ अलग अलग कुछ करके तो कुछ तो बना ही लेता जैसे वो करता था पहले। दूसरी चीज परफॉर्मेंसेस, जबरदस्ती की मूवी बनवा रहे हो, नहीं आ रहा है एक्टर्स को मजा मूवी करने में, तो तुम क्यों जबरदस्ती उनसे लगवा रहे हो कि मूवी बनाओ बनाओ बनाओ। और तीसरी चीज साउंड ट्रैक बीजीएम, ये तो नाम निशानी नहीं भाई, कुछ है ही मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। दृश्यम 2 जबरदस्त मूवी आई है, इसके साथ ही रिलीज करी है, और पता नहीं इन्होंने क्यों रिलीज कर दी दृश्यम 2 के सामने ये। पर मैंने रिव्यू करा था, रिव्यू देख लेना जाने से पहले, तुमको पता लग जाएगा कैसी मूवी है, वो देखो यार जाके। इस पे पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ओटीटी पे आ जाए तो भी देखने की जरूरत नहीं है भाई, तो जाएगा नहीं तुम्हारा नहीं देखो तो ठीक है। ये था मेरा रिव्यू मिस्टर मम्मी को लेके, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर गलती से पहुंच गए हो देखने तो तुमको कैसी लगी, झेल पाए या नहीं झेल पाए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कर देना। मैं तुमसे मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।